आज इस वीडियो में बात करते हैं लिथियोस्पर्मम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका बेहतरीन एक्शन है सोरियासिस के लिए, किडनी स्टोन के लिए, यूरेथ्रल स्टोन के लिए, या फिर ऐसे लोग जिनका TSH लेवल बढ़ा हुआ है और इस वजह से यहाँ पे जो गोइटर ग्रंथि पाई जाती है वो सूज गई है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि घेघा रोग हो गया है। तो इन सब के लिए ठीक तरीके से काम करती है लिथियोस्पर्मम। इस मेडिसिन को कैसे यूज करेंगे उसको लास्ट वाले पोर्शन में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि ये मेडिसिन किस तरह से काम करती है। तो देखिए, जो लिथियोस्पर्मम है वो डायरेटिक्स का काम करती है, और डायरेटिक्स मीन्स शरीर में जो सरप्लस वाटर इकट्ठा है उसको बाहर निकालती है, यानी सूजन को भी कम करती है। और जो सरप्लस वाटर है उसको बाहर निकालती है, तो उसके साथ साथ जो अनवांटेड मटेरियल हैं, जैसे कि यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो शरीर में जो गठिया है, जो जॉइंट्स, जो पेन है होने लगता है। तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो गाउट हो सकता है, रूमेटिज्म हो सकता है, तो इस तरह से जो जॉइंट्स का पेन होता है। तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और गाउट का पेन हो रहा है, अगर शरीर से वाटर बाहर निकलेगा तो जो यूरिक एसिड है वो डिजॉल्व होगा और वो भी बाहर निकलेगा। तो यूं समझिए कि यूरिक एसिड के लेवल को क्या कर देता है, कम करता है, तो गाउट में अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ जो सोरियासिस है, ये थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि ऐसे लोग जिनमें सोरियासिस काफ़ी दिनों से है ठीक नहीं हो रहा है, सोरियासिस के जो बैकग्राउंड में जो फैक्टर है वो है हाइपर यूरेमिया, यानी जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो हाइपर यूरेमिया की वजह से जो सोरियासिस स्किन पर अफेक्शन आते हैं, जो इचिंग या नॉन इचिंग दोनों टाइप हो सकते हैं, स्केल छोड़ते हैं इस तरह से, तो स्किन डिजीज हो चाहे सोरियासिस हो, उन सबके बैकग्राउंड में फैक्टर रोल प्ले करता है यूरिक एसिड, यूरेमिया। तो ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइपर यूरेमिया। हाइपर यूरेमिया का जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, गाउट हो सकता है या फिर सोरियासिस हो सकता है। तो जो लिथियोस्पर्मम है डायरेटिक्स का काम करता है, और जो सरप्लस वाटर है उसको तो निकालेगा ही निकालेगा, उसके साथ साथ यूरिक एसिड को डिजॉल्व करेगा, यूरिक एसिड को डिजॉल्व करके भी बाहर निकालता है। तो कई बार देखा गया कि जो स्टोन है वो यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, और वो किडनी में बन सकते हैं, यूरेथ्रा में बन सकते हैं, ब्लैडर में बन सकते हैं, और गॉल ब्लैडर में भी बन सकते हैं। तो इस तरह से जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन है वो शरीर से कम होगा, तब सोरियासिस के ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलेगी, सोरियासिस भी ठीक होगा, और किडनी में स्टोन है या फिर गॉलब्लैडर में स्टोन है उन सब का भी। और उसके साथ साथ इसका जो बेहतर रोल है और वो इस तरह से है कि थायराइड हार्मोन जो है TSH बढ़ा हुआ है उसको भी कम करता है। नॉर्मल TSH अगर देखा जाए तो ये होता है 0.5 से 5 ml यूनिट पर लीटर, ये होता है, यानी 0.5 से 5 mL पर लीटर होता है, नहीं 1 लीटर में इसका इतना मिली यूनिट होती हैं। तो TSH लेवल बढ़े होने से भी दिक्कत होती है, यहाँ पे जो ग्वाइटर है, जो घेघा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सूज जाता है। तो इसका धीरे धीरे यूज करेंगे लिथियोस्पर्मम का, तो यहाँ की जो सूजन है वो भी कम होगी। सिम्टम्स क्लियर कर, देखिए लिखा है इट इज यूज एज ए डायरेटिक इन केस ऑफ गाउट, गठिया बात, एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी आर यूरेथ्रल स्टोन, किडनी में स्टोन है या फिर यूरेथ्रा में स्टोन है, उन सब के लिए बेहतर काम करती है। और सोरियासिस स्किन अफेक्शन के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, हाइपर यूरेमिया, थ्योरी सजेस्ट करती हैं। तो अगर आप यूरिक एसिड कम करें, नॉर्मलाइज करें, और जो स्किन की जो टेंडेंसी हो गई है स्केल बनाने की, यानी सोरियासिस जैसी टेंडेंसी जनरेट हो गई है, उसके लिए भी यूज की जाएगी। और
लोअर थायराइड हार्मोन लेवल इन सीरम, ब्लड में सीरम का जो ब्लड में जो यूरिक एसिड है उसके लेवल को कम करता है और उसके साथ साथ TSH को भी कम करता है। तो थायराइड हार्मोन जो है उसको भी कम करेगा और सप्रेस TSH यानी जो बढ़ा हुआ है उसको तो कम करेगा और जो प्रोड्यूस हो रहा है TSH लेवल जो ज्यादा बन रहा है उसको भी मिनिमाइज करके नॉर्मल लेवल तक ले आएगा। तो सप्रेस यानी जो सरप्लस बन रहा है TSH उसको कम करता है, सप्रेस TSH लेवल एंड ग्वाइटर वेट। TSH लेवल अगर कम होगा तो ग्वाइटर यानी यहाँ पे जो भूल गया है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर या घेघा रोग बोलते हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिकुड़ के अपने नॉर्मल पोजिशन पर आ जाएगा। तो देखिए एक दवा है कि जो थायराइड लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करती रहे और दूसरा है कि थायराइड जो हार्मोन ज़्यादा बन रहा है उसको कम करने का भी काम करती है लिथियोस्पर्म। तो इस तरह से बेहतरीन मेडिसिन है, कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है। लेने का तरीका सिंपल सा है, आप लिथियोस्पर्म का मदर टिंचर ही यूज़ करें, बेहतर रिस्पांस आएगा, लोअर पोटेंसी से पहले स्टार्ट करें। तो जो लिथियो स्पर्मम है उसका मदर टिंचर ले लीजिए, लिथियो स्पर्मम क्यूब ठीक है, इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के तीन टाइम लें। तो इस लिथियो स्पर्मम से किडनी स्टोन या फिर यूरेथ्रा स्टोन हो या फिर TSH लेवल बढ़ा हुआ हो या फिर सोरियासिस हो, कई तरीके से बॉडी को फायदा होता है और इन सब बीमारियों से निजात मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक भी हो जाती है। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।